इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। जिंदगी जरूरी है, मैं आज आपकी सेहत से जुड़ी और सावधान कर देने वाली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं इस वक्त जहां पर खड़ी हुई हूं आप देख सकते हैं, हमने एक वर्चुअल सेट तैयार किया है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इसी तरह का स्टॉल होता है जहां पर धड़ल्ले से मोमोज बिका करते हैं और आप भी बहुत स्वाद लेकर उसे खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये वर्चुअल सेट क्यों तैयार किया है, तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली के मोमोज में मांस है। जी हाँ, ये पढ़कर आप चौंक गए होंगे, आपको यकीन नहीं हो पा रहा होगा कि आखिर ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं ये पूरी तरह से सच है। हकीकत यही है, दिल्ली के मोमोज में कुत्ते का मांस मिलने की खबर सामने आई है और इसीलिए इस वर्चुअल सेट के जरिए हम आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोड के किनारे, सड़क के किनारे इसी तरह का स्टॉल होता है और उसमें इसी तरह की तैयारी के साथ लोग खड़े होते हैं मोमोज आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मोमोज के भीतर क्या कुछ मौजूद है ये भी समझ लीजिए, इनसाइड स्टोरी क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली वालों सावधान, दिल्ली के मोमोज में कुत्ते का मांस। दिल्ली के कैंट इलाके में मोमोज की 20 दुकानों पर ताले लगे। दिल्ली के कैंट इलाके में अब आपको मोमोज की दुकानें नहीं नजर आएंगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक गई ना, ये हम नहीं कह रहे अखबार के। दिल्ली के कैंट इलाके में अब आपको मोमोज की दुकानें नहीं नजर आएंगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक गई ना, ये हम नहीं कह रहे अखबार के। खबर के मुताबिक एनफोर्समेंट विंग की टीम ने मोमोज की दुकानों पर छापे मारे, फूड क्वालिटी की जांच कराई गई, 20 दुकानें बंद करवा दी गई, कैंट एरिया के आर्मी कैंटीन इलाके में मोमोज बेचने पर रोक लगा दी गई। दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर मोमोज की दुकानें लगती आपने देखी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के कैंट इलाके में अब आपको मोमोज की दुकानें नहीं नजर आएंगी। यहाँ पर पहले तमाम मोमोज की दुकानें लगा करती थी, लेकिन अब यहाँ पर से पिछले दिनों लगातार छापेमारी की गई है और उसके बाद जो मोमोज की दुकानें हैं वो यहाँ से हटा दी गई हैं। दिल्ली के मोमोज में कुत्ते का मांस मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। अब दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव के लोग मोमोज के नाम से ही डरने लगे। दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली, नो हम सब बच्चे खाते हैं, बच्चों को भी इजिली नहीं पता होता है सब चीजों में क्या होता है, बट दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। अब मुझे तो नहीं पता चलता, हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन अब वो तो इन लोग पे ही हम लोग भरोसा करते हैं, इन लोग के हिसाब से हम लोग को तो खा लेते हैं, हम लोग को तो पसंद है तो हम लोग खा लेते हैं। हम यहाँ पे बहुत समय से आ रहे हैं, हमें इस जगह पर विश्वास है कि हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। चिकन टेस्ट किया हुआ है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कुछ ऐसा है लगता नहीं है ऐसा, चिकन से ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा उसमें, अच्छा लगता है। अखबार के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली कैंट बोर्ड के CEO रेड्डी शंकर बाबू को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि मोमोज वाले कुत्ते का मीट मिलाकर मोमोज बेच रहे हैं। जरा जरा से बच्चे खा लेते थे, बीमार हो जाते थे और ठीक हुआ ये बंद हो गया। ये आज बारिश के मौसम में ऐसी चीजें दी जाएंगी तो सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिसको बच्चे ज्यादा खाते हैं उनकी जेब में 10-20 रुपए होते हैं, जाके दुकान पे जाते हैं, अब 20 रुपए में कोई 6 चिकन मोमोज 8 मोमोज कैसे दे देगा, इतने सस्ते चिकन मोमोज नहीं आ सकते। अभी कुछ सालों से 4-5 साल से यहाँ इनकी तादाद काफी बढ़ गई थी, शुरू में 2-4 शॉप थी जो आसपास लगती थी, डे बाय डे जैसे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उसी हिसाब से मोमोज की कम से कम 20-25 शॉप्स अभी हर शॉप्स के आगे एक शॉप लगनी शुरू हो गई थी। सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों को शक क्यों हुआ कि दिल्ली के मोमोज में कुत्ते का मांस है। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले ऐसा ही एक मामला गुड़गांव में आया था, पौश इलाके से पालतू कुत्ते गायब हो रहे थे, लोगों को शक है कि अवैध बूचड़खाने बंद होने की वजह से इन कुत्तों को शिकार बनाया जा रहा है और मोमोज, बिरयानी और कबाब में कुत्ते की मीट का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली कैंट के CEO को शक है कि रोड साइड स्टॉल लगाने वाले मोमोज वाले ऐसा कर सकते हैं। अखबार के सूत्रों के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ है कि विदेशी पर्यटक जब दिल्ली में आते हैं तो कुत्ते की मीट का डिमांड करते हैं। विदेशी पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए कुछ लोग आवारा कुत्तों का शिकार करते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है? अगर ये सच है तो फिर गुनहगार कहाँ है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हो सकता है कि आपको यकीन न हो रहा, आपको ये लगता हो कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, पालतू कुत्ते को दूसरा कैसे मार सकता है। आपको यकीन दिलाने के लिए एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर विदेश की है, देखिए रात के अंधेरे में दो बाइक सवार आए,
इनके हाथ में भाले जैसा हथियार है। और ये देखिए, जैसे ही कुत्ता पास में आया, भाले जैसे हथियार को एक बार में गर्दन पर ऐसे मारा कि कुत्ता वहीं ढेर हो गया। अब ये देखिए, दूसरा कुत्ता आया, तब तक ये देखिए घर का मालिक भी आ गया। लेकिन उसे देखकर भी ये डरते नहीं, उस पर भी हमला करते हैं और देखते ही देखते दूसरे कुत्ते को भी मार गिराते हैं। कुत्ते को गेट के अंदर से खींच लिया और फिर बाइक पर लेकर फरार हो गया। जाहिर है इस कुत्ते को खाने के लिए ही इसका शिकार किया गया। ये तस्वीरें आपकी आंखें खोल देंगी। एक रिसर्च के मुताबिक कुत्ते का मांस ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहता है। एक अनुमान के मुताबिक एशियाई देशों में मांस के अवैध कारोबार के लिए हर साल 20 लाख कुत्तों को मारा जाता है। वियतनाम में एक कुत्ता करीब $60 मतलब 3,500 रुपए से भी ज्यादा में बिकता है। वियतनाम में सबसे ज्यादा कुत्ते का ही मांस खाया जाता है। पिछले कुछ सालों में पूरे एशिया में कुत्ते के मांस का अवैध कारोबार बढ़ा है। ये भी सच है कि कुत्ते का मांस दिल्ली में खुलेआम नहीं बिकता। जो कुछ भी होता है चोरी छिपे होता है। फिर भी अगर आप मोमोज के शौकीन हैं, तो आपके लिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली कैंट बोर्ड के दावे के मुताबिक ये भी नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में हर जगह जहां नॉन वेज मोमोज मिलते हैं उसमें कुत्ते का ही मांस होता है। अभी दिल्ली के सिर्फ कैंट एरिया में ही ऐसा शक जताया गया है। लेकिन ये भी आप दावे से नहीं कह सकते कि आप जो नॉन वेज मोमोज खा रहे हैं उसमें कुत्ते का मांस ना हो। इसमें काफी इन्फेक्शन फैलते हैं, जिनमें सबसे टॉप पे आते हैं रेबीज। रेबीज एक ऐसी जानलेवा बीमारी है, अगर किसी को हो जाए तो बचने का कोई उसके अंदर आगे मेडिकल जरिया नहीं है। फिर जो दूसरी इन्फेक्शन है, जैसे टाइफाइड इन्फेक्शन है, इकोलाई बग है, और ये सुपर बग की इन्फेक्शन होती है, जिनसे एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टरी इलाज करना बड़ा मुश्किल है। फिर ये काफी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, जिनके लिए आमतौर की जो एंटीबायोटिक्स है वो काम नहीं करती। दिल्ली कैंट के सीईओ के मुताबिक एनफोर्समेंट विंग ने एक टास्क फोर्स बनाई है और इलाके के हर मोमोज दुकान की जांच करने को कहा गया है। नरेश बिस्वान, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि जिस नॉनवेज मोमोज को आप खा रहे हैं वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के दूसरे रोड साइड स्टॉल का क्या हाल है, इसके लिए हमने मयूर विहार में रियलिटी चेक किया। वहां हमने क्या देखा, क्या पाया, आइए वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मयूर विहार इलाके के अंदर मौजूद है और यहाँ पर एक लोकल वेंडर है जिनके यहाँ पर ये मोमोज बनाए जा रहे हैं। ये आपके सामने जो है ये नॉनवेज है, यानी कि चिकन मोमोज हैं और ये बनके तैयार हो चुके हैं। इनको बस एक बार स्टीम देनी है, उसके बाद ये सर्व करने को तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा ये वेज मोमोज हैं, आपके सामने जो ये मोमोज अभी बन रहे हैं ताजे ताजे, ये वेज मोमोज हैं। इसके अंदर जो फिलिंग की जाती है वो सब्जियों की फिलिंग की जाती है। क्या क्या चीजें इसमें भरी जाती हैं ये जानते हैं, हमारे साथ वेंडर यहाँ पर खुद मौजूद है। मनोज जी, बताइए कि क्या क्या फिलिंग होती है, किस तरीके से बनाया जाता है ये? वेज में सर पनीर है और पत्ता गोभी है, गाजर है और नमक है। अच्छा, ये सारी। इसके अलावा जो चिकन मोमोज है उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती है? चिकन की कीमा है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है। इसके अलावा सोयाबीन वगैरह मिलाते? नहीं, सोयाबीन नहीं मिलाते हम, नहीं मिलाते। एक खबर ये आ रही है कि दिल्ली कैंट इलाके में जो मोमोज वहाँ पे बिकते हैं उनमें जो गोश्त है, जो नॉनवेज, जो मटन इस्तेमाल किया जाता है वो कुत्ते का मटन है। तो क्या इस तरह की चीजें कभी इलाके में या फिर आपके यहाँ हुआ? नहीं, हम तो पहली बार सुन रहा हूँ सर। हम तो चिकन के अलावा कुछ सोयाबीन भी यूज करते हैं, ओनली चिकन ही आते हैं बस। अच्छा, कभी आपके यहाँ रेड वगैरह करने के लिए कोई आया एमसीडी वगैरह डिपार्टमेंट से या फिर फूड डिपार्टमेंट से? नहीं नहीं, हमारे तो लाइसेंस है हमारे पास, ऐसी कोई नहीं है। हम तो खुले बनाते हैं जी, साफ सब बनाते हैं, मार्केट के सामने खुले बनाते हैं। हम तो चिकन और कुछ इस्तेमाल नहीं करते। चलिए आपको दिखाते हैं ये चिकन मोमोस है, इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। ये एक चिकन मोमो हमने अपने हाथ में लिया है, अंदर जो फिलिंग है देखिए, प्याज यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके अलावा ये कीमा है चिकन का, धनिया पत्ता है, और इसके अलावा ग्रीन हर्ब्स हैं। ये सब चीजें इसमें मिलाई हुई हैं। वेज मोमोज का आपने भी देखा था क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, क्या क्या चीजें बनाई जाती है, क्या डाली जाती है बनाते समय, और इसको किस तरीके से शेप दी जाती है, ये तमाम चीजें हैं। ये बात भी करेंगे हमारे साथ एक जो कारीगर है मोमोज बनाने के, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम ही बताएं कि कब से बना रहे हैं मोमोज? ये 8-10 साल हो गए मुझे बनाते हुए। क्या क्या डाला जाता है इन तमाम चीजों में, दोनों में, चिकन में और जो वेज मोमो होता है? सर चिकन में तो चिकन होता है और प्याज होता है बस, अदरक लहसुन नमक मिर्च यही होता है, और मैदे से बाहर से कोटिंग होती है। हाँ जी। चलिए, तो ये तमाम चीजें हैं जो आपके सामने, पूरी प्रक्रिया को देखा किस तरीके से मोमोज को बनाया जाता है। हालांकि दिल्ली कैंट इलाके की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैंट इलाके में जिस तरह की खबरें आई थी
उसके बाद एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बकायदा वहां पर रेड की है और रेड करने के बाद जो आसपास लोकल वेंडर्स थे उन तमाम जगहों पर रेड करते हुए उनके सामान को जब्त किया है और फिलहाल वहां पर किसी भी तरह से मोमोज की दुकानें नहीं लगाई जा रही हैं। इसके अलावा कितने हाइजीनिक होते हैं ये तमाम चीजें आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन लोगों का यही मानना है कि मोमोज खाते समय जरा ध्यान दें क्योंकि आपकी जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा कीमती है। मोमोज खाते समय वेंडर्स जहां से आप रेगुलरली मोमोज खाते हैं वहां पर कभी आप चाहें तो उनसे पूछ भी सकते हैं कि आखिरकार मोमोज किस तरीके से आप बनाते हैं और ये खाने में कितने हाइजीनिक हैं, ये तमाम चीजें आप जान सकते हैं क्योंकि अगर आपकी सेहत बिगड़ती है तो तमाम चीजों पर असर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने, अपने घरों के रसोई घर में तो हम अपनी सेहत के साथ रत्ती भर भी समझौता करना नहीं चाहते, लेकिन घर से बाहर निकले तो सड़क से लेकर सुहाने सफर तय करने तक हर जगह हो रहा है हमारी सेहत के साथ खिलवाड़। यकीन ना हो तो एक और खबर आपको बताते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु भारतीय रेल का कायाकल्प करने में जी जान से जुटे हुए हैं। ट्रेन की रफ्तार 600 किलोमीटर तक करने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियों से बातचीत भी हो रही है। सपना है कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन को दौड़ाएंगे। टेक्नोलॉजी के लिहाज से रेल को और मजबूत बनाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सब कुछ होगा कैसे, जब रेल में मिलने वाला खाना ही नहीं सुधरा तो फिर स्पीड और तकनीक के मामले में कैसे दूसरे देशों को टक्कर दे पाएगा भारत। कैग की रिपोर्ट में दरअसल हुआ है बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेल की केटरिंग सर्विसेज जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। हमने इसके लिए झेलम एक्सप्रेस में रियलिटी चेक भी किया, क्या देखा जरा जानिए इस रिपोर्ट में। हम नई दिल्ली स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस में मौजूद है। आपको बता दें ये ट्रेन जम्मू से पुणे के लिए जाती है और हम इस झेलम एक्सप्रेस की इस टाइम पेंट्री के अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि झेलम एक्सप्रेस के अंदर जो पेंट्री में खाना बनता है वही जो यात्री सफर कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है, लोडिंग नहीं होती है कहीं भी से। आज मेन्यू में क्या बना हुआ है? आज आलू मटर का सब्जी है, दाल फ्राई रहेगा, राइस रहेगा और रोटी आ जाएगी। क्या क्या इस पेंट्री में क्या बाहर से भी खाना लोड होता है या फिर जो सारा खाना है वो यही बनता है? यही बनता है, लेकिन बाहर के लोग भी आते हैं बेचने के लिए। अनुतराज भी बाहर से आते हैं लड़के लोग बेचने के लिए। आप लोगों के लिए तो नहीं लोडिंग होती है ना बाहर से खाने के लिए? हम लोग तो सब पूरा अंदर ही बनाते हैं। तो आज दाल सब्जी बनी हुई है? हाँ सर। आपको आज हम जायजा लेंगे इस झेलम एक्सप्रेस की, इस पेंट्री का, कि किस तरीके से खाना बनता है, क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट आई है आपने देखा कि बेहद खराब हालत में जो खाना है वो बनता है, जो खाने की क्वालिटी होती है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं और कुछ उसी का जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज की टीम झेलम एक्सप्रेस में पहुंची है, जहां पर आपको दिखाएगी कि आखिरकार किस तरीके से जो खाना है वो बन रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अभी हम किचन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झेलम एक्सप्रेस की किचन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखा दें इस पेंट्री का नजारा। पहले तो पेंट्री पर आप चारों तरफ आपकी जहां पर भी नजर जाएगी आपको कालश और गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। अगर आप ऊपर की तरफ भी देखें तो ये पेंट्री की हालत आप देख सकते हैं जहां पर ये खाना बनता है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर फैन की तरफ भी फोकस करके दिखाएं कि किस तरीके से जो पेंट्री है बेहद गंदी हो रखी है अंदर से। नीचे अगर आप देखेंगे तो पानी और गंदगी आपको जरूर फैला हुआ दिखाई देगी यहाँ पर। हालांकि जब हमारे कैमरे की टीम यहाँ पर पहुंची है उसके बाद फटाफट से सफाई शुरू कर दी है, लेकिन गंदगी आपको चारों तरफ पसरी हुई दिखाई देगी क्योंकि जो खाना है पूरी तरीके से पेंट्री में बनने के बाद ही सर्व किया जाता है जो मुसाफिर है। बाहर से लोडिंग नहीं होती है क्योंकि कई ट्रेन ऐसी है जिनमें जो खाना है वो बाहर से लोड होता है, उसके बाद उस खाने को जो 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 मुसाफिर है उनको सर्व किया जाता है। तो कुछ इस तरह का नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो दालें हैं आप ये देख सकते हैं किस तरीके से खुली हुई है, उनको ढककर नहीं रखा गया है। वही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो खाने को ढककर नहीं रखा है और कुछ खाना अभी फिलहाल बन रहा है। गंदगी बहुत ज्यादा है और कुछ यही सवाल कैग ने भी उठाए जिसमें ये बात कही गई थी जो खाने की क्वालिटी है वो गंदी है। खाने में कील निकली गई थी, कीड़े जो थे वो खाने में निकले थे। उस रिपोर्ट में ये बात साफ कही थी कि जो खाने की क्वालिटी है रेलवे की वो बहुत खराब है। अशोक जी आप इंचार्ज हैं यहाँ के पेंट्री के? जी सर। पेंट्री में इतनी गंदगी क्यों है? सर ये वैसे तो नहीं, ये पानी में क्या है कि फर्श फूटा हुआ है। हाँ। फूटा हुआ है तो ये फर्श में से पानी जब गाड़ी हिलती है ना तो फर्श में से पानी निकलता रहता है।
हम सामने भी देख रहे हैं किस तरीके से जो दाल है वो खुली पड़ी हुई है। ये दाल तो अभी खुलवाया था, देखा था उन्होंने, पूरा ढका हुआ था दाल, अभी जो आए थे ना अभी हमने देखा है कैमरे, नहीं उन्होंने देख रहे हैं, उन्होंने खुलवा के देखा था इसमें क्या है, कोई ढक्कन नहीं है दाल के ऊपर, समय लगा था सर, अभी उन्होंने खुलवा के देखा इसमें क्या है। और अभी वहाँ पर भी आप लोगों ने हमारे आते ही झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी, फिर भी सर के आ गया जो पैंतीस फूटा हुआ नीचे साफ दिखा रहे हैं, इनमें समय से पानी निकल निकल के बाहर आ रहा है सर, पानी निकल निकल के बाहर आ रहा है, पेंट्री के अंदर जगह जगह पानी इकट्ठा है, क्षेत्र हो जाता है, गंदगी फैली हुई है, कालश जमी हुई है, और इन्हीं गंदी कालश वाले फर्शों पर, इन्हीं गंदे जो चूल्हों के ऊपर जो है वो खाना बनाया जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है, सवाल उसने भी खड़े किए थे, और जो हालात है किचन के आप देखकर उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का और किस कितना सफाई से जो खाना है वो बनता है और मुसाफिरों को परोसा जाता है। कैमरामैन गुलशन के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, छह महीने पहले हमने इसी चैनल पर इंडिया न्यूज पर किया था सबसे बड़ा पड़ताल, और उसमें यह पाया था कि दौड़ती पटरियों पर अगर आप खाना खाएंगे, रेलवे का खाना खाएंगे, तो आप मौत को सीधी दावत देंगे। पैंट्री में हमने क्या पाया था वो रियलिटी चेक लेकर हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खास पेशकश जारी है। आपका स्वागत है। जानते हैं क्या कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। संसद के पटल पर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो खाना भारतीय रेल के पैंट्री कार से आप मंगाते हैं वो इंसान के खाने लायक है ही नहीं। हमारे दूसरे संवाददाता एक और ट्रेन की पैंट्री कार में पहुंचे कई महीनों पहले, रियलिटी चेक किया, क्या पाया था उन्होंने आपको दिखाते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्रीजर है यहाँ का। अच्छा, एक बार दिखाइए, फ्रीजर है जिसके जरिए आपको कोल्ड ड्रिंक मिलता है। सर, फ्रीजर के अंदर ये मटर वटर क्यों डाला हुआ है आपने, मटर डाला हुआ है आपने, और बड़ा गंदा सा पानी है। अंदर भी हम चल रहे हैं जहां पर रेल यात्री जो है खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है। नीचे आप देखिए, यहाँ गंदगी है, जो सिंक है जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं, इतना गंदा सा क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने। भट्टी थोड़ा खराब चल रहा है, खाना भट्टी खराब हो गया लेकिन खाना तो ठीक परोसी है ना, इतनी गंदी सी भट्टी में और आप खाना पका रही। आलू इतना गंदा गंदा, इसकी क्वालिटी देख रहे हैं आप, ये देखिए ना, इसको धोना पड़ेगा अभी। अच्छा, इसको धोए, आपका कहना है धोएंगे, और धोएंगे कहाँ पर, यहाँ धोएंगे आप नीचे, ये जहाँ जहाँ आप काट रहे हैं थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान ही रख लेते आप। ये आटा है, जो आटा गूथा है आपने, जो मुसाफिरों के लिए है। अच्छा, यहाँ सफाई फाई रखा कीजिए आप। अच्छा, हॉट केस है जो कि काम नहीं कर रहा। जी सर, हॉट केस है जो काम नहीं कर रहा है। इस हॉट केस में आपने क्या क्या रखा? अच्छा, हॉट केस में आपने पापड़ ऐसे ही रख दिया आपने उठा के, तो किसी प्लेट में रख देना था ना, पापड़ ऐसे रखते हैं क्या सर? मूंगफली के दाने हैं, अंदर मसाला है। चलिए, और कहाँ खाना पकता कहाँ पर है ये भी दिखा दीजिए एक बार हमें, खाना कहाँ पकता है। ठीक है, खाना इस सेक्शन में पकता है। ठीक है, इस ट्रेन का हमने रियलिटी टेस्ट करने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। पवन मेल एक्सप्रेस हमने ये सफर किया है पूरा, और पवन मेल एक्सप्रेस में जो हमने दिखाया तस्वीरों के जरिए, कहते हैं तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती है, आप खुद फैसला कीजिए कि आपका सफर किस तरीके का है। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ पवन मेल एक्सप्रेस से राशिद की रिपोर्ट। रियलिटी चेक के जरिए तस्वीर हमने आपको छह महीने पहले ही दिखा दी थी, अब कैब की रिपोर्ट से उस पर मोहर लगी है। अब दुर्भाग्य यह है कि आम आदमी से जब जब रेल का किराया बढ़ाया जाता है, यह कहा जाता है कि आपके लिए सुविधा और बढ़ा दी जाएगी। ऐसी रिपोर्ट सामने आती है तो सुविधा तो नहीं बढ़ती है, दुविधा और ज्यादा बढ़ जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने